राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद कनाडा की सरकार हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें कि ट्रंप की जीत के बाद कनाडा को डर है कि बड़ी संख्या में शरणार्थी अमेरिका छोड़कर कनाडा आ सकते हैं। यही वजह है कि कनाडा की सरकार ने अपनी सीमाओं की निगरानी बढ़ा दी है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान अमेरिका में अवैध प्रवासियों का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। उन्होंने राष्ट्रपति चुने जाने पर अवैध अप्रवासियों को देश से बाहर करने का वादा भी किया था। कतर ने युद्ध विराम के प्रयासों से खुद को अलग कर लिया है, साथ ही फलस्तीनी संगठन हमास को दोहा का कार्यालय बंद करने को कहा है। कतर ने ऐसा गाजा में इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए हमास के तैयार न होने और युद्ध विराम की वार्ता में अड़ियल रुख अपनाने के कारण किया है। हमास अधिकारियों को 2012 से कतर में गतिविधियों की अनुमति मिली हुई है। अमेरिका में चुनावी नतीजों के बाद सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस को हरा दिया, लेकिन अभी भी उनका डेमोक्रेटिक पार्टी पर निशाना साधना जारी है। अब अपने ताजा बयान में भी ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर तंज कसा है और दावा किया है कि चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी ने इतना पैसा खर्च किया कि अब उनके पास वेंडर्स को भुगतान करने के लिए भी पैसे नहीं है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के लगभग 3 महीने के बाद आवामी लीग ने रविवार को ढाका में एक विरोध रैली का ऐलान किया है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने विरोध प्रदर्शन करने के खिलाफ आवामी लीग को सख्त चेतावनी जारी की है। शफीकुल आलम ने एक बयान में कहा, आवामी लीग अपने मौजूदा स्वरूप में एक फांसीवादी पार्टी है, इन्हें इजाजत नहीं मिलेगी। पिछले लगभग 1 साल से ज्यादा से इसराइल और हमास के बीच जंग जारी है। वहीं इस युद्ध की लपटें लेबनान और ईरान पर पहुंच चुकी हैं। वहीं इसी बीच इजरायली सेना ने शनिवार को सैनिकों के एक समूह पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि समूह ने दक्षिण लेबनान में लेबनानी झंडा जलाया, जहां वे ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला से लड़ रहे हैं। कनाडा के बैम्पस्टन में हिंदू मंदिर में किए गए उपद्रव मामले में कनाडा पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। शनिवार को एक विज्ञप्ति में पील क्षेत्रीय पुलिस ने ऐलान किया है कि बैम्पस्टन के निवासी 35 साल के इंद्रजीत गोसल को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी कुरपंतवंत पन्नू का करीबी है, उसने निज्जर की जगह ले ली है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की तरफ से डाउनिंग स्ट्रीट में आयोजित दिवाली पार्टी में कथित तौर पर मांस और शराब परोसी गई थी, जिससे कुछ ब्रिटिश हिंदू नाराज हो गए। प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुए उत्सव में समुदाय के नेताओं और शीर्ष राजनेताओं ने पार्ट लिया था, जिसमें मेहमानों को मेमने के कबाब, बियर और वाइन परोसी गई, जिससे कुछ ब्रिटिश हिंदू नाराज हो गए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पूर्व राजदूत निकी हैली और पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को उनकी नई सरकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया है। दरअसल ट्रंप समर्थकों का कहना है कि माइक पोम्पियो ने चुनाव अभियान के दौरान पर्याप्त प्रचार नहीं किया और न ही उन्होंने प्रचार अभियान के दौरान मदद की। कतर ने गाजा में युद्ध विराम के प्रयासों से खुद को अलग कर लिया है, साथ ही फलस्तीनी संगठन हमास को दोहा का कार्यालय बंद करने को कहा है। कतर ने ऐसा गाजा में इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए हमास के तैयार न होने और युद्ध विराम की वार्ता में अड़ियल रुख दिखाने के कारण किया है। हमास अधिकारियों को 2012 से कतर में गतिविधियों की अनुमति मिली हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद पहली बार अफगानिस्तान संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में हिस्सा लेने जा रहा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने AFP से कहा है कि अजरबैजान में होने वाले सम्मेलन में अफगानिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेगा। ये शिखर सम्मेलन तालिबान सरकार के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान के लिए पहला हिस्सा बनने का अवसर है।